हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इथ अभिलाषी शर्मा, आप सभी का स्वागत है यहाँ जानकारी चैनल पर। आज का जो लेक्चर है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बात करेंगे, दैट इज अबाउट मनी, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एवोल्यूशन ऑफ मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी। हम इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स मूव अहेड विद मी टू डिस्कस ऑल दिस कॉन्टेंट इन दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम सभी जानते हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बड़ी बहुत अनंत हमारी ज़रूरतें हैं और हमारे पास साधन सीमित हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को खुद पूरा नहीं कर सकता, वो किसी से कोई वस्तु प्राप्त करता है, किसी से कुछ प्राप्त करता है। एक दूसरे को इस लेन देन को ही तो एक्सचेंज कहते हैं, जिसे विनिमय कहते हैं हिंदी में, विनिमय और एक्सचेंज। तो विनिमय के बिना आज की जिंदगी में हम ये सोच भी नहीं सकते कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ को चला पाएंगे, आज या आज से हजारों साल पहले की भी बात करें तो। आज तक दुनिया में जो विनिमय के लिए सिस्टम हमारे सामने आए हैं, बेसिकली वो दो तरह के हैं। कौन कौन से सिस्टम हैं, विच वी कैन से द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज। वन इज द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली, और सेकेंड वन इज द मॉनेटरी सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा विनिमय प्रणाली। ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे इसका नाम ही बता रहा है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी वस्तु किसी को दे देता है, जो उसके पास फालतू है, आवश्यकता से ज़्यादा है, और किसी दूसरे व्यक्ति से वो वस्तु ले लेता है जो उसे चाहिए, परंतु दूसरे को भी वो वस्तु चाहिए हो जो पहले व्यक्ति ने उसको देनी है। इस तरह से वस्तुओं के इस लेन देन की जो प्रणाली है, इसको हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन ब्रीफ वी कैन से इज दैट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स टेक्स प्लेस विदाउट द यूज ऑफ मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बिना मुद्रा के वस्तुओं का, वस्तुओं के साथ जो लेन देन होता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली। जब मुद्रा नहीं थी, तो हम जब पुराने समय की बात करें, जब मुद्रा एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो जो जितना भी लेन देन होता था वस्तुओं और सेवाओं का, वो वस्तुओं का वस्तुओं के साथ, वस्तुओं को सेवाओं के साथ, ऐसे लेन देन चलता था। परंतु इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स को हम किस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। वस्तु विनिमय प्रणाली की दिक्कतें क्या थी भी, क्या क्या समस्याएं थी। जब हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, उनमें सबसे पहले जो ड्रॉबैक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, दोहरे संयोग की समस्या। ये क्या है, ये सबसे बड़ी कमी है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। इसको समझते हैं पहले, ये है क्या। मान लो मैंने बताया कि अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स टेक्स प्लेस, कमोडिटी विद कमोडिटीज, और वी कैन से टेक्स प्लेस, वस्तुओं का वस्तुओं के साथ लेन देन होता था, भी विनिमय होता था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, एक व्यक्ति के पास कोई वस्तु फालतू है, उसको दूसरी वस्तु चाहिए, अब दूसरा व्यक्ति उसको मिल गया जिसके पास वो वस्तु थी, पर उस व्यक्ति को वो वस्तु बिल्कुल नहीं चाहिए थी जो पहले व्यक्ति ने उसको देनी है। That is the biggest problem. दोनों तरफ सेम ही तरह की वस्तुएं चाहिए, इस प्रकार का कोइंसिडेंस होना बहुत मुश्किल था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। देन इज द मोर ट्रेडिंग कॉस्ट, सेकंड ड्रॉबैक्स इज दैट मोर ट्रेडिंग कॉस्ट का मतलब, जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती थी कि जो इसको विनिमय करने की जो लागत थी वो बहुत ज्यादा थी। कैसे लागत, कैसे, जैसे सर्च कॉस्ट, अब उस व्यक्ति को ढूंढना, ना तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं थी पुराने टाइम की बात करें, एक जगह से दूसरी जगह जाना जो सर्च कॉस्ट कहते हैं, ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता था, बहुत उस पर मेहनत करनी पड़ती थी, टाइम चला जाता था। इसके अलावा लॉन्ग टाइम वेट, वो मैं बता ही चुका हूं, लंबे टाइम तक इंतजार करना पड़ता था कब वो व्यक्ति मिलेगा। इस दौरान बहुत सी वस्तुएं खराब भी हो जाती थी, या व्यक्ति की तब जरूरत है, वो जरूरत अब उसको बाद में नहीं चाहिए होती थी, जबकि वो सर्च कॉस्ट और टाइम वेस्ट कर चुका है। ये भी एक बड़ी ड्रॉबैक थी बार्टर सिस्टम एक्सचेंज में। इसके बाद नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम एक्सचेंज की, जो देखने में मिलती थी, दैट इज अ लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट।
अब ध्यान से सोचो, हम सभी वस्तुओं का जब माप करते हैं आज के टाइम में कैसे करते हैं, अभी वस्तु का प्राइस कितना है, उसकी मुद्रा की जो लागत है उसके साथ। जब मुद्रा थी ही नहीं तो वस्तुओं का मूल्य मापने की कौन सी इकाई हो? गेहूं के बदले में कितनी गाय, गाय के बदले में कितना दूध, दूध के बदले में कितना कपड़ा, ये कोई कॉमन मेजरमेंट तो था ही नहीं जिसके साथ हम वस्तुओं को परचेज कर सके या सेल कर सके। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी जिसको हम कहते हैं लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो सामान्य किसी वस्तु का मूल्य मापने की जो कॉमन इकाई होती है वो बार्टर सिस्टम में देखने को नहीं मिलती थी। नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम इज द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द डेफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतान की समस्या। स्थगित भुगतान क्या होता है? जैसे हम किसी वस्तु का प्रयोग पहले कर लें, किसी व्यक्ति की सेवाओं को पहले यूज कर लें और उसका भुगतान 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 वर्ष के बाद करें, तो उसके बदले में उतने टाइम के बाद कितना भुगतान करना पड़ेगा? आज तो हमने तय कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी के 5 दिन काम करेगा उसको बदले में 2 बकरियां मिलेंगी, पर कब मिलेंगी वो भुगतान मान लो 6 महीने बाद करना है तब उसके पास बकरियां ना हो तो कैसे डिटरमिन होगा? जो डेफ इसको स्थगित भुगतान कहते हैं, जो भुगतान अब ना करने हो बाद में करने पड़ जाए, क्योंकि जो भुगतान करना है वो करना भी वस्तुओं के साथ है, तब दूसरे व्यक्ति को वो वस्तु चाहिए भी या नहीं चाहिए ये नहीं पता, ये टाइम की अनिश्चितता है तब पता चलता था। तो इस तरह से जो डेफर्ड पेमेंट्स थी उनको करना बहुत ज्यादा मुश्किल था अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम इज द डिफिकल्टी इन द स्टोर ऑफ वैल्यू और वेल्थ। मान लो कोई व्यक्ति किसी मूल्य का स्टॉक करना चाहता है, किसी वस्तु का धन संपदा का स्टॉक करना चाहता है, तो बार्टर सिस्टम में क्योंकि एक्सचेंज का माध्यम ही वस्तुएं होती थी तो वस्तुओं का स्टॉक करना, कितना स्टॉक कर सकते हो आप, कितना संभाल सकते हो, खराब हो जाएगा वक्त के साथ, उसकी आने वाले टाइम में कोई डिमांड भी रहेगी या नहीं, तो किसी भी टाइप से धन संपदा को, वेल्थ को स्टोर करना बार्टर सिस्टम एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा प्रॉब्लम आती थी डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अगर हमने मूल्य को एक जगह से दूसरे स्थान पर, किसी वस्तु का मान है, वैल्यू है, उसको ट्रांसफर करना है, हमारी प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर करना है तो बड़ा मुश्किल था। मान लो किसी व्यक्ति को घर चाहिए जिस गांव या शहर में वो अब रहता है उसको किसी दूसरे शहर में चाहिए, तो दूसरे शहर में जाकर घर ढूंढना, पहले वाले घर को सेल करना, उसके बदले में कोई वस्तुएं प्राप्त करना, फिर उन वस्तुओं के ग्राहक को ढूंढना, फिर उन वस्तुओं के बदले में घर मिले उतनी वैल्यू की वस्तुएं इकट्ठी करना, फिर जिसका घर हो उसको वो वस्तुएं चाहिए भी या नहीं चाहिए इस तरह से ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। मान लो आज के टाइम में बड़ा आसान है भाई, अपनी वस्तु है उसको बेचो, पैसे प्राप्त करो, दूसरी जगह जाकर प्राप्त कर लो जो भी आपको वस्तु चाहिए। तो ट्रांसफर ऑफ वेल्थ इज वेरी डिफिकल्ट अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। लास्ट वन इज द लैक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि बार्टर सिस्टम में हम वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं के साथ करते थे, अगर उसका हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ जाए, अकाउंटिंग सिस्टम कहीं बनाना पड़ जाए तो वो बहुत मुश्किल था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सो दीज आर द बेसिक ड्रॉबैक्स इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। यही तो कारण था उसकी इतनी कमियों के कारण कुछ ना कुछ नया चाहिए था, और वो जो नया आया वो आया मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जिसको हम मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं, क्या है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? इज दैट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर ईच एंड एवरी एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मनी, वेयर वी कैन एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जहां पर सभी वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। जैसे मान लो किसी प्रोड्यूसर ने कोई वस्तु पैदा की, किसी कंज्यूमर को कोई वस्तु चाहिए, अब दोनों के बीच में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो विनिमय का साधन बनेगा दैट इज मनी। जो कंज्यूमर है वो वस्तुएं प्राप्त कर लेगा, जो प्रोड्यूसर है उसको उसका प्राइस बताएगा, कंज्यूमर उसको पैसे दे देगा, मनी दे देगा और अपनी वस्तु ले जाएगा, दैट इज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब बात करते हैं मनी क्या है, मनी को समझना जरूरी है। मनी क्या है साधारण अर्थों में बात करें, मनी एक कोई भी वस्तु हो सकती है जिसको हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं।
In simple word, we can say money is that commodity which is used as a medium of exchange, which is accepted as a medium of exchange, जिसको विनिमय के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है, वो मनी है। जनरली जब हम मनी की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही बात होती है, करेंसी, नोट एंड कॉइन्स, ये मनी है। आप ठीक हो, आप सही सोच रहे हो, पर जब हम इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग बात करें, इकोनॉमिक्स में इसको बड़ा डिटेल में लिखा गया, व्हाट इज मनी। मनी इज दैट कमोडिटी विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम इट एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मेजर ऑफ द वैल्यू, जिसके साथ हम किसी मूल्य को स्टोर भी कर सकते हैं, उसके मूल्य को माप भी सकते हैं। जो विनिमय के साधन के रूप में यूज होती है उसको मनी कहते हैं। मनी के रिगार्डिंग डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, जिसमें से सबसे पहली डेफिनेशन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए लीगल डेफिनेशन, जो कानूनन रूप से डेफिनेशन दी गई है मनी की, इसको डिफाइन करने की। मनी इज दैट कमोडिटी विच इज अप्रूव्ड बाय ए गवर्नमेंट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी वो वस्तु जिसको सरकार ने मान्यता दी है कि उसको विनिमय के साधन के रूप में यूज किया जाता है, दैट इज अ लीगल डेफिनेशन। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। बड़ी सिंपल शब्दों में मैं कह सकता हूं, मनी इज व्हाट मनी डज, मुद्रा वो है जो मुद्रा कार्य करती है। बिल्कुल उसी के आधार पर हम मुद्रा को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मनी के रिगार्डिंग दो तरह की और परिभाषाएं देखनी आती हैं, वन इज द नैरो डेफिनेशन, सेकंड वन इज द ब्रॉडर डेफिनेशन। नैरो डेफिनेशन क्या है, मनी रेफर्स टू ऑल दोज मॉनेटरी एसेट्स विच एक्ट्स एज मनी, वो सारी मौद्रिक संपत्तियां जो मुद्रा के रूप में कार्य करें उसको मनी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड इन ब्रॉडर डेफिनेशन द कॉन्सेप्ट इज लिटिल बिट ब्रॉडर, मनी रेफर्स टू ऑल दोज मॉनेटरी एसेट्स विच एक्ट एज मनी एंड ऑल्सो एक्ट एज नियर मनी, जो नियर मनी के रूप में भी काम करे या मुद्रा के रूप में भी काम करे उसको हम मनी कहते हैं इन ब्रॉडर डेफिनेशन। नियर मनी क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स ये था रिगार्डिंग मनी, हम उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के वीडियो का दूसरा पार्ट, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का विकास कैसे हुआ। मनी का जो रूप हम आजकल देख रहे हैं, नोट है डिफरेंट टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, क्वाइंस हैं जिनको करेंसी नोट्स कहते हैं, मैं उन नोट्स की बात कर रहा हूं। तो एक बात ध्यान रखो, यहां तक पहुंचने में मनी को बहुत लंबे सफर में से गुजरना पड़ा है, मुद्रा ऐसे नहीं इस रूप में पहुंची। तो एवोल्यूशन ऑफ मनी की जो पहली कड़ी है, दैट इज अ कैटल मनी। बहुत शुरुआती टाइम में जब इंसान, बहुत पुराने टाइम की बात करें, जब इंसान इतना सभ्य भी नहीं था लेकिन उसकी आवश्यकताएं ऐसी ही थी, तो वो कैटल्स को मनी के रूप में यूज करते थे, जिसे पशुधन कहते हैं। अपने पशु दे दिए, बदले में कुछ वस्तुएं ले ली। तो जब पशुओं के साथ लेन देन होता था उसको हम कैटल मनी का नाम देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे विकास हुआ, फिर कमोडिटी मनी बनी, तो लोग कैटल्स की जगह पर जो वस्तुएं पैदा करते थे उनको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करने लगे। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप का अनाज हो सकता था, सब्जियां हो सकती थी, फल हो सकते थे, उनको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करने लगे, दैट इज अ कमोडिटी मनी। नेक्स्ट वन मेटेलिक मनी, क्योंकि कमोडिटी मनी में भी बहुत सी प्रॉब्लम आने लगी, बार्टर सिस्टम मैंने जैसे बताया, फिर मेटेलिक मनी आई जिसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इसके साथ बने जो क्वाइंस थे उनको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाने लगा। तो धातु के साथ बने हुए जितने भी टाइप की मुद्रा थी उसको हम मेटेलिक मनी का नाम कहते हैं, धातु मनी। इसके बाद हमारे सामने जो मनी के एवोल्यूशन की कहानी में से जब हम जा रहे हैं, तो पेपर मनी एग्जिस्टेंस में आई, कागज के साथ बने हुए करेंसी नोट जिनका प्रयोग हम आज भी करते हैं। तो कागज के ऊपर बने हुए करेंसी नोट जिस पर लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर नोट की या करेंसी नोट की वैल्यू कितनी है, दैट वन इज नोन एज पेपर मनी। इसके साथ आगे है बैंक मनी। बैंक मनी में वो सारे जैसे जैसे विकास होता चला गया, विकास की इस कड़ी में मनी का जो नेक्स्ट रूप देखने को मिला वो था बैंक मनी। जैसे वहां पर चेक, ड्राफ्ट, इन सब को लेन देन के काम में यूज किया जाता है, विनिमय के लिए यूज किया जाता है, इसको हम बैंक मनी का नाम देते हैं। इसके बाद है नियर मनी। नियर मनी में बैंक मनी भी शामिल है, साथ में डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब के सब ऑलमोस्ट नियर टू मनी मानते हुए, क्योंकि ये भी एज अ मीडियम एक्सचेंज यूज होते हैं, तो उनको नियर मनी कहा जाता है। लास्ट वन जो आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, दैट इज अ प्लास्टिक मनी। डिफरेंट टाइप के जो प्लास्टिक कार्ड यूज होते हैं, डेबिट कार्ड,
क्रेडिट कार्ड, ये सारे के सारे कार्ड आप देखोगे प्लास्टिक के साथ बने हुए, चिप लगा हुआ है उस पर, सारा उसमें डाटा होता है कस्टमर का। इन सब टाइप के कार्ड्स को भी हम बहुत टाइप का एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं, जब मीडियम एक्सचेंज ये भी काम करते हैं, इनको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद बात करते हैं कि हमने डिफरेंट टाइप की मनी की बात की, इनमें से बढ़िया कौन सी थी। भाई सबकी सब मनी बढ़िया, मनी कभी बुरी हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी हम किस टाइप की बनी हुई मनी को हम बेटर कहेंगे, उसकी कुछ क्वालिटीज हैं। दैट इज वी कैन से व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड मनी। सबसे पहले बात करते हैं पोर्टेबिलिटी। मनी में जो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोर्ट कर सकें, ले जा सकें, ले जाने में आसान हो। अब जो कमोडिटी मनी थी उसको ट्रांसफर करना, इधर उधर लेके जाना बड़ा मुश्किल था। दूसरी तरफ पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, इट्स सो इजी टू पोर्टेबल फ्रॉम हियर एंड देयर, एक जगह से दूसरे स्थान पर हम इजीली ले जा सकते हैं। सो पोर्टेबिलिटी इज द वन ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ अ मनी। नेक्स्ट वन इज द डिविजिबिलिटी। मनी में एक गुण होना चाहिए, हम उसको डिवाइड कर सके, उसकी छोटी छोटी वैल्यू भी होनी चाहिए, सिर्फ बड़े नोट हों, करेंसी नोट छोटे छोटे ना हो, एक रुपया, दो रुपये, 50 पैसे, 70। अब हमने 50 रुपीज़ का नोट बना लिया, 100 रुपीज़ का बना लिया, कोई वस्तु 70 रुपीज़ की है तो कहाँ से लेंगे भी, अगर 20 रुपीज़ का भी नोट होगा या 10 का होगा तभी तो 70 बन पाएंगे ना, 75 है तो 5 का भी जरूर चाहिए। इस ढंग से वस्तुओं जो मनी है अगर वो डिविजिबल हो सकती है, जिसके छोटे छोटे अंश हो सकते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज गुड मनी। इसके अलावा नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। जिस चीज की भी मनी बनी हो, वेदर इट इज मेटेलिक मनी, पेपर मनी, वो ड्यूरेबल भी हो, भी लंबे समय तक चलती हो, ये ना हो कि आज बने कल खराब हो जाए, ऐसा मटेरियल के साथ बनी हुई मनी को हम अच्छी मनी नहीं कह सकते। सो द क्वालिटी ऑफ ए गुड मनी इज इट शुड बी ड्यूरेबल। नेक्स्ट इसमें है कंसिस्टेंसी इन द वैल्यू। इसकी वैल्यू में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, स्थिरता रहनी चाहिए, हर रोज दिन रात सुबह शाम अगर मॉनेटरी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, जैसा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में हम देखते हैं, वहां पर वैल्यू चेंज होती रहती है तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ ए गुड मनी, इट शुड बी एक्सेप्टेबल। यस, जनरली एक्सेप्टेबल, सभी लोग मुद्रा को स्वीकार करते हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई उसको लेने से मना ना करे, हम तभी कहेंगे दैट मनी हैविंग अ गुड क्वालिटी। नेक्स्ट इन द होमोजेनिटी, एक सारता, एक रूपता, एक मूल्य की मनी का जो रूप है वो एक समान होना चाहिए, जिससे लोगों को पहचानने में आसानी हो। होमोजेनिटी इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ ए गुड मनी। नेक्स्ट है इजी टू आइडेंटिफाई। उस मनी को हम बढ़िया मनी कह सकते हैं, दैट मनी इज अ गुड मनी विच हैव दिस क्वालिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। उसको पहचानना आसान हो, कोई भी व्यक्ति उसको पहचान सके, दीज आर द बेसिक क्वालिटीज ऑफ अ गुड मनी। अगर मुद्रा में ये सारी क्वालिटीज हैं तो हम कहेंगे वो एक अच्छी मुद्रा है। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में उससे रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट इशू जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देता है, उसको बच्चे समझ नहीं पाते। कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनकी बात करते हैं। जनरली जब मनी की बात होती है उसमें आता है फेस वैल्यू ऑफ मनी। फेस वैल्यू उसका नाम ही बोल रहा है, चेहरे पर लिखी हुई वैल्यू। यस, जिस करेंसी नोट या क्वाइन को हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर जो उस करेंसी नोट या क्वाइन का मूल्य लिखा हुआ है, दैट वन इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट वन, जनरली अगर बच्चे जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, दैट इज द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ मनी, आंतरिक मूल्य क्या है, उस कमोडिटी का मूल्य जिसके साथ मुद्रा बनी हुई है, द वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी विद विच दैट पर्टिकुलर करेंसी नोट और कॉइन हैज बीन डेवलप्ड, जिसके साथ उसको बनाया गया, चाहे वो लोहा है, सोना है, जिसके साथ वो बनाई गई है उसकी जितनी कीमत है उसको हम उस मुद्रा की इंट्रेंसिक वैल्यू कहते हैं। इसके साथ ही एक होती है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जहां पर उस करेंसी नोट या कॉइन की इंट्रेंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू सेम हो। जिस मेटल के साथ वो नोट या कॉइन बने उसका बाजार में जो वैल्यू है वो, और जो उस पर लिखा हुआ मूल्य है वो दोनों बराबर हो, उसको हम फुल बॉडीड मनी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स आई थिंक द होल कंसेप्ट इज क्वाइट क्लियर। सभी बातें आपको समझ आ गई होंगी आज के टॉपिक के रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपका कोई कंसर्न है नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट दें, आई विल ट्राई टू आंसर देयर। इस चैनल पर मनी के फंक्शन और उसकी सप्लाई जो का जो टॉपिक है उसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया गया। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सी वीडियोज ऑलरेडी हैं,
मोटिवेशनल वीडियोस आल्सो देयर ऑन माय चैनल जानकारी है। इसके साथ कॉमर्स से रिलेटेड जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उनकी वीडियोस भी, आप उनको भी देखते रहिए। आने वाली बहुत सी वीडियोस का इंतजार कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।